गुड मॉर्निंग फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट, आज हम और एक पार्ट लेंगे, आज और एक पार्ट का रिवीजन लेंगे और उसका नाम है मेरा एक दिन, पार्ट नंबर 37, मेरा एक दिन, पार्ट नंबर 13। सुबह 5:30 बजे उठने से मेरा दिन शुरू होता है। सुबह साढ़े पाँच बजे उठने से मेरा दिन शुरू होता है। पहले हाथ मुंह धोता हूँ और दांत साफ करता हूँ। 15 मिनट तक व्यायाम करता हूँ। चाय पीकर एक घंटा पढ़ाई करता हूँ। उसके बाद नहा धोकर नाश्ता करके स्कूल के लिए रवाना होता हूँ। स्कूल में नियमित 9:30 बजे, कितने बजे? नियमित 9:30 बजे सामूहिक प्रार्थना होती है। इसके बाद मूल्य शिक्षा में अध्यापक एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। सुबह के चार कालांश यानी क्या चार घंटों के बाद अवकाश होता है। अवकाश यानी छुट्टी होना। सभी छात्र गपशप करते हुए अपने अपने डिब्बों में से रोटी सब्जी मिल बांटकर खा लेते हैं। अंतिम कालांश में खेलों की प्रतियोगिताएं होती है। कभी चित्रकला सिखाई जाती है। सप्ताह में एक वीक में एक दिन कार्यानुभव के अंतर्गत कुछ चीज़ें बनवाई जाती है। शाम को घर लौटता हूँ घर आने पर सबसे पहले मैं अपना बस्ता ठीक स्थान पर रखता हूँ। फिर गणवेश बदलकर हाथ मुंह धोकर थोड़ा नाश्ता करता हूँ। तब तक मेरे दोस्त आ जाते हैं। दोस्तों के साथ 1 घंटा मैदान में खेलता हूँ। कितना? 1 घंटा। दोस्तों के साथ 1 घंटा मैदान में खेलता हूँ। घर वापस आकर हाथ पैर धो लेता हूँ। 1 घंटे में गृह कार्य यानी घर पर करने वाला अभ्यास पूर्ण करता हूँ। उसके बाद घर वालों के साथ बैठकर भोजन करता हूँ। भोजन करना यानी खाना। अगले दिन यानी दूसरे दिन के लिए बस्ता स्कूल बैग तैयार करके और भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार करके सो जाता हूँ। तो ऐसे इस लड़के का ये क्या है? एक दिन है इनका, इसका एक दिन का ये उपक्रम है। तो ये मेरा एक दिन, समझ में आ गया? तो एक लड़का है, वो 5:30 बजे उठता है। 5:30 बजे उठने से उसका दिन शुरू होता है।
वो पहले हाथ मुंह धोता है, फिर दांत साफ करता है, 15 मिनट तक व्यायाम करता है, फिर चाय पीकर 1 घंटा पढ़ाई करता है, उसके बाद नहा धोकर नाश्ता करके स्कूल के लिए जाता है। स्कूल में नियमित 9:30 बजे सामूहिक प्रार्थना होती है, उसके बाद मूल्य शिक्षा के अध्यापक एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, उसके बाद सुबह के 4 घंटों के बाद स्कूल का आधा समय, 4 कालांश यानी स्कूल का आधा समय निकल जाने के बाद फिर अवकाश होता है यानी छुट्टी होती है, लंच ब्रेक होता है और सभी गपशप करते हुए अपने अपने डिब्बों में से रोटी सब्जी मिल बांटकर खाते हैं। उसके बाद वो लड़का क्या करता है, अंतिम कालांश में यानी लंच ब्रेक के बाद खेलों की प्रतियोगिता होती है यानी पी का पीरियड होता है, उसके बाद चित्रकला सिखाई जाती है। सप्ताह के एक दिन में कार्यानुभव के अंतर्गत कुछ चीज़ें बनाने के लिए अध्यापक कहते हैं। उसके बाद शाम को घर वो लौटता है, वो अपना स्कूल बैग जो है वो ठीक स्थान पर रखता है, फिर गणवेश बदलकर मुंह हाथ धोकर नाश्ता करता है और वो फिर अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाता है। कितना घंटा मैदान में खेलता है, 1 घंटा दोस्तों के साथ मैदान में खेलता है, फिर वापस आकर हाथ पैर धो लेता है और एक घंटे में गृह कार्य यानी होमवर्क पूर्ण करता है। उसके बाद वो घर वालों के साथ बैठकर खाना खाता है और अगले दिन स्कूल जाने के लिए वो अपना बैग बस्ता तैयार करके भगवान को याद करके सो जाता है। ओके, रवाना होना, निकल जाना, मूल्य शिक्षा, मूल्यों पर आधारित शिक्षा, कालांश, स्कूल का आधा समय, अवकाश होना, छुट्टी होना, गृह कार्य, घर पर करने का काम, भोजन करना, खाना खाना। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न और उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पाठ में प्रतिपादित लड़का सुबह कितने बजे उठता है? पाठ में प्रतिपादित लड़का सुबह 5:30 बजे उठता है। वह सुबह कितना वक्त पढ़ाई में बिताता है? वह सुबह 1 घंटा पढ़ाई में बिताता है। वह शाम को खेलने में कितना वक्त बिताता है? वो अपने दोस्तों के साथ 1 घंटा मैदान पर वो खेलता है। ठीक है, इसके बाद ये वाक्य में प्रयोग करना, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द में पहले ही आपको ये दे चुकी हूँ। ठीक है, तो पहला प्रश्न दूसरा, नीचे दिए गए मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे कि यहाँ मैंने दिया है, देखो आपको दिया होगा, आपके नोटबुक में भी आपने लिखा होगा, शुरू होना यानी शुरुआत करना, शुरू होना यानी शुरुआत करना, सुबह 5:30 बजे उठने से मेरा दिन शुरू होता है। 2 नंबर, रवाना होना यानी निकल जाना, राजू सुबह नहा धोकर नाश्ता करके स्कूल के लिए रवाना होता है। मैंने ये वाक्य अपने पाठ में से ही लिए हैं, आप अलग भी ले सकते हो। अवकाश होना यानी छुट्टी होना। सुबह के चार कालांशों के बाद अवकाश होता है। प्रतियोगिता, स्पर्धा, अंतिम कालांश में खेलों की प्रतियोगिताएं होती है, अंतिम कालांश में खेलों की प्रतियोगिताएं होती है। घर लौटना, वापस आना, शाम को मोहन घर लौटता है। तैयार करना, किसी काम में कुशल होना। अगले दिन रामू स्कूल जाने के लिए बस्ता तैयार करता है। समानार्थी शब्द, पेड़ यानी तरु या वृक्ष, साफ समानार्थी शब्द, शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र। मूल्य, अनुमान या मूल्यांकन, प्रार्थना, निवेदन या विनंती। गपशप
गप मारना, गप्पे मारना, गप लड़ाना। ठीक है, अब हम देखेंगे विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड्स। ऊपर नीचे, अंदर बाहर, आगे पीछे, सफ़ेद काला, मीठा कड़वा। ओके, तो बच्चों आज हमने और एक नया पार्ट सीखा, उसका नाम है मेरा एक दिन। मेरा एक दिन, ये मैंने पार्ट आपको पढ़कर सुनाया है, प्रश्नोत्तर भी दिए हैं। तो आपको क्या करना है, दो बार पढ़ना है, पाठ दो बार पढ़ना है और इसके प्रश्न और उत्तर भी आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, ओके। तो आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।